टॉप जनता को मेरा प्रणाम। क्या हाल है आप लोगों के? मुझे एक ही आवाज सुनाई देती है, लल्लन टॉप। क्या हाल है आप लोगों के? वेरी गुड। क्या आप लोग हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली, सबसे चर्चित, लगातार विद्वता की, करुणा की, प्रेम की, शांति की बात करने वाले महान शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति को सुनने के लिए तैयार हैं? आवाज इतनी तेज आनी चाहिए कि मुख्य स्टेज से मुझे शिकायत आए कि हल्ला कुछ कम करवाया जाए। तैयार हैं? ये बाईं तरफ वालों की तैयारी कम लग रही है। ठेकुआ घी का नहीं बना था क्या? सूर्य को अर्घ देने वाले देश से हम हैं, थोड़ा बुलंदी दिखाइए आवाज में। तैयार हैं? क्या दे रहे भाई? भाई साहब, ये फोटो सेशन थोड़ा बाद में हो जाए। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इनको कह रहा हूं। आप हाँ, बिठा दें उनको आगे। हम लोग विकास देव कीर्ति जी से बातचीत शुरू करें उसके पहले दो निवेदन हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के। पहला निवेदन ये है कि अपनी शारीरिक शक्ति के मद में अगल बगल वालों को कुचलने से बचें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा मुझे इंस्टाग्राम की रील ने सिखाया है। आप कितना सीखा है आपने, उसका लाइव नजारा दिख जाएगा। और दूसरा, यदि आपके इर्द गिर्द कोई कद में, आकार में छोटा है तो उसको अपनी कोनियों से बल देकर कुचलने की कोशिश ना करें, शांति से सुने, वरना ये आपकी तौहीन होगी, मंच की तौहीन होगी, और जिस शिक्षक को आप सुनने आए हैं उसके पाठ का अपमान होगा। क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी कक्षाओं में पढ़कर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाएंगे या नहीं, और ये ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छे इंसान बनकर निकलें। जब दर्शन पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, साहित्य पढ़ें, कविता पढ़ें, संगीत सुनें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा। थोड़ा फुर्ती दिखाओ भाई, 100 मीटर T20 वाला मामला है। सौरभ सर अभी दिखाई देंगे, बिल्कुल अभी प्रकट होंगे तुम्हारे सामने। हेलो हेलो, अभी दिखाई दे रहा हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एकदम लल्लन टॉप। पीछे तक आवाज आ रही है? मेरा अतिरिक्त प्रणाम उन धुरंधरों को जो पीपल के पेड़ पर चढ़ गए हैं। प्रभु हनुमान आपको देखकर बड़े मुदित हो रहे होंगे, पर बाकियों को हिदायत है, नीचे गिर जाओगे तो एम्स कुछ दूर है। अपने हाथ पांव सही सलामत रखो, आवाज आ रही हो तो सुन लो, देख पा रहे हो तो देख लो, वरना वीडियो तो अपलोड होगा ही। ठीक है? अच्छा, यहाँ नीम के पेड़ पे भी चढ़े हुए हैं। आपको देख के राही मासूम रजा बड़े चकित होंगे, जहां भी होंगे वो हैं। एक उन्होंने नीम का पेड़ रचा, एक नीम के पेड़ पर आप चढ़ गए हो, वाह। मैं अक्सर सोचता हूं कि रैलियों में पोल पे चढ़ने वाले कौन हैं। फिर हमारे दोस्त ने बताया कि ये वो लोग हैं जो वानर से इंसान वाली अवस्था में जंप मार के आ गए। हमारी मोहब्बत है,
विकास सर की मोहब्बत है बस, तो विकास सर के लिए मोहब्बत में हम और आप साझे हैं, हमको भी मोहब्बत है आपको भी, इसीलिए इस मंच पर उन्हें बुलाया जा रहा है। आर वी रेडी? जोरदार तालियों से स्वागत करिए विकास दिव्य कीर्ति सर का। माइक आपके साइड में है, इसमें पानी है, मैं आप उस तरफ बैठ जाएंगे तो आपको ज्यादा लोग देख पाएंगे, मैं वो प्लेकार्ड बदल देता हूँ। आप एक बार खड़े होकर सब लोगों को वेव कर दें तो ठीक है। ठीक, माहौल समझ में नहीं आ रहा है कि मोहब्बत से ज्यादा भरा है कि अराजकता से। मैं मंच की नहीं देश की बात कर रहा था जी। सबसे पहले पहला सवाल, कई लोग कहते हैं कि नए जमाने में नई पीढ़ी में साहित्य की पूछ कम हो गई है, और कई कहते हैं कि यह नए जमाने को बदनाम करने की साजिश है, आपका क्या तजुर्बा है? मुझे लगता है कि साहित्य की महत्ता कम तो कभी नहीं होगी, और सौरभ ने सवाल पूछा है कि नए जमाने में साहित्य का महत्व कम हो गया है या ये साजिश है नई पीढ़ी को बदनाम करने की। मेरा मानना है कि पहले के जमाने में साहित्य विश्वविद्यालयों और कुछ मठों में महदूद था। सोशल मीडिया ने साहित्य को थोड़ा सा आसान करके आम आदमी के बीच में पहुंचाया, और उसी का परिणाम है कि साहित्य आज तक के आपके सेशन में अगर इतने सारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो साहित्य मर तो नहीं सकता है, ना साहित्य कम हो सकता है। साहित्य के तेवर चेंज होते हैं, और तेवर चेंज होना सही भी है। हमारी भाषा में जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती हैं तो साहित्य बदलता ही है, तो बदलना ठीक है। जी जी, अभी अभी आएगी, अभी आएगी। मैंने कह दिया है गुरुजी को माइक थोड़ा क्लोज रखेंगे, आप लोग सहयोग करेंगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी, है ना। एक हम लोगों ने बड़े होते हुए श्लोक पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना तृणम न खाद्यान्नमपि जीवमाना परमम पशु नाम तद भागदेयम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये बहुत सारे नौजवान भी, कि किताबों के स्तर पर, कला के स्तर पर, संगीत के स्तर पर, वो कौन सी आवाज़ है, कौन सी शैलियाँ हैं, कौन सी पुस्तकें हैं जिन्होंने जीवन में आपको सबसे ज़्यादा गहरे से प्रभावित किया है? मतलब अगर साहित्य को हम सिर्फ फिक्शन तक सीमित ना करें, तो मैंने ये महसूस किया कि दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य ये अलग नहीं है बल्कि जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर हम इनको साथ ले कर चलें तो जो समग्र प्रभाव इनका है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रभावित किया उसमें कुछ चिंतक हैं, ओशो रजनीश हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, और भारतीय दर्शन के बहुत सारे आचार्य जिसमें शंकराचार्य, नागार्जुन ये सब हैं। इन सबको पढ़ते पढ़ते फिर जब मैंने साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो बातें हम दर्शन में सिद्धांत रूप में पढ़ते हैं, साहित्य में घटनाओं, कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं, और उसका असर और गहरा हो जाता है पहले की तुलना में। संगीत के स्तर पर अगर विकास दिव्य कीर्ति की प्लेलिस्ट पूछी जाए कि कौन से सिंगर हैं या कौन सी फिल्में जिनके गानों को वो लूप में सुनते हैं, एक तो आपने हमें बताया था वो चढ़ता सूरज। मैं दिन में लगभग 3 से 4 सेशन संगीत के सुनता हूँ। सुबह जैसे ही उठता हूँ तो एक प्लेलिस्ट मेरी है जो मैंने खुद क्रिएट की हुई है इस पे स्पॉटिफाई पे, वो पंजाबी के भजन हैं कुछ, आजकल मेरा फेवरेट वही है, जिसमें सचिंदर सरताज एक बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे दोस्त भी हैं जी, कल आए थे और आपको बहुत प्रेम पूर्वक याद कर रहे थे। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और सिद्धांत मोहन एक बड़े अच्छे सिंगर हैं,
तो इनके जो आजकल भजन है, संगीत है, वो मैं सुनता हूँ सुबह उठते ही। दिन में एक बार मैं गज़लें सुनना पसंद करता हूँ, और गज़लों में जो नए ट्रेंड्स हैं, एक तो जो मिर्ज़ा गालिब सीरियल था उसकी जो गज़लें जगजीत सिंह ने गाई थी वो मेरी हमेशा से फेवरेट हैं, मैं लगभग रोज़ सुनता हूँ। और बाकी मैं जगजीत सिंह को ज़्यादा और गुलाम अली को काफ़ी हद तक सुनता रहता हूँ। कभी कभी जब मूड ख़राब हो तब मैं जो आजकल का फास्ट म्यूज़िक वो भी सुनता हूँ, आपको अजीब सा लगेगा। जैसे जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है वो भी सुनता हूँ, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है वो भी सुनता हूँ, सैटरडे वो भी सुनता हूँ। तो जब मूड थोड़ा शांत हो और गर्मी की ज़रूरत हो तो वो चला देता हूँ। तो 3-4 प्लेलिस्ट हैं जो अलग अलग मूड के हिसाब से रोज़ सुनने के आदि हूँ अभ्यस्त। जी, आप साहित्य का मंच है, मैं साहित्य की अलग अलग विधाओं में आपके पसंदीदा लेखकों के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कहानी का। इस बार हमने इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी जो यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध भी है उसका कहानी विशेषांक निकाला है। उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ल समेत कई नामवर कहानीकार हैं उसमें। वरुण ग्रोवर, शुभा मुद्गल जैसे कई ऐसे कहानीकार भी हैं जिनको पढ़ने की आप उतनी प्रत्याशा नहीं करते हैं। कहानियों के मामले में हिंदी साहित्य में कौन से लेखक हैं जो आपको बहुत लुभाते हैं, पुराने ज़माने के भी और आज के ज़माने के भी? मुझे पूरे हिंदी साहित्य में अगर एक कहानी चुननी हो, थोड़ी मुश्किल है, कृष्ण बलदेव वैद की एक कहानी है, मेरा दुश्मन। और मेरा ख्याल है कि उस कहानी को अगर महसूस करने के सर पर चले जाएं, तो उससे अच्छी कहानी मुझे आज तक नहीं मिली। इसके अलावा मन्नू भंडारी की एक कहानी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, यही सच है, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। टूटना राजेंद्र यादव की कहानी बहुत प्रिय है मुझे। प्रेमचंद के सर पे जाऊं तो मेरी सबसे प्रिय कहानियों में सदगति और शायद पूस की रात, इन दो को मैं रखूंगा। इधर जो लेटेस्ट कहानी है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ज्ञान रंजन हाल के लेखकों में मुझे सबसे प्रभावित करते रहे हैं, उन्हीं को मैंने ज़्यादा पढ़ा भी है। अब जो आप कहानीकार बता रहे हैं मैं उनको पढ़ूंगा, अगली बार शायद उनके बारे में ज़्यादा बता पाऊंगा। जी, कविताओं के स्तर पर मुझे अगर हिंदी के 1000 साल में सारे कवियों की बात करनी हो तो सबसे महान कवि मुझे दो ही लगते हैं, कबीरदास और तुलसीदास। मुझे ध्यान है कि आज से 25 साल पहले मेरे एक कवि दोस्त ने एक शेर सुनाया मुझे, शेर क्या दोहा था, उसकी दूसरी लाइन तो मुझे याद है, पहली भूल गया। मैंने काफ़ी ढूंढी वो पंक्ति, खूब सर्च किया इंटरनेट पे, आज तक मिल नहीं पाई, तो मैंने उसको अपने हिसाब से जोड़ लिया। और जब मुझसे कोई पूछता है कि आप अगर कवि बनना चाहेंगे तो किसको अपना आदर्श मानेंगे, तो एक दोहे जैसी पंक्ति में अगर कहूँ, जिनकी कविता देखकर हो जाता हूँ मैं फकीर, जिनकी कविता देखकर हो जाता हूँ फकीर, मेरे दो दो बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। और जिसने तुलसीदास और कबीरदास को नहीं पढ़ा वो साहित्य के क्षेत्र में बचपन में ही रहेगा, किशोर हो नहीं पाएगा। उपन्यास के स्तर पर? उपन्यास अगर मुझे एक चुनना हो, माइक अगर पूरे हिंदी साहित्य में एक उपन्यास चुनना हो तो शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय ने लिखा था। दूसरा चुनना हो तो मैला आंचल, जो रेणु ने लिखा था। दोनों एकदम अलग तरीके के उपन्यास हैं। अगर आपको मध्यवर्गीय जीवन के प्रश्नों में बहुत गहराई में डूबना हो तो शेखर एक जीवनी। अगर आपको गांव की जिंदगी अपने पूरे रंग के साथ महसूस करनी हो तो मैला आंचल। और पूरे हिंदी साहित्य में अगर एक उपन्यास जो प्रतिनिधि है, जिसको पढ़े बिना आप हिंदी उपन्यास को समझ नहीं सकते, तो फिर गोदान, जो कि अनिवार्य पाठ्यक्रम है ही हम लोगों का, गोदान। ये तीन उपन्यास। ये साहित्य की कुछ बातें हुई, इन पर लौटेंगे, लेकिन अब मैं एक पॉपुलर सवाल पूछना चाहता हूँ, एक्टिंग करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जिनकी जानकारी में ना हो, हाल में ही विधु विनोद चोपड़ा की एक बहुत कमाल की फिल्म आई है जो अनुराग पाठक के उपन्यास
ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इसी शीर्षक से, जिसमें विक्रांत मैसी ने लीड रोल किया है, मेघा शंकर भी हैं उसमें, और उसमें विकास दिव्यकीर्ति जी का रोल विकास दिव्यकीर्ति जी ने ही किया है। मतलब मैंने पहले भी एक दो इंटरव्यूज में कहा कि शुरू में ये तय था कि वो रोल कोई और करेगा, मेरा रोल किसी और को प्ले करना था। संयोग ऐसा बना कि विधु जी का आदेश हुआ कि ये रोल तुम्हें प्ले करना है, तो मैंने तो महसूस किया कि बहुत आसान है एक्टिंग, क्योंकि मैं अपने रोल प्ले कर रहा था, मुझे खुद ही होना था, स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं शामिल था ही, अपने डायलॉग्स मैंने खुद ही लिखे थे, लिखे भी क्या थे, ऑन द स्पॉट बोले ही थे बेसिकली। तो तीन चार शॉट्स जब शूट हुए, तीन चार टेक्स हुए, तो हर बार मैंने डायलॉग्स अलग बोले, इसलिए उन्होंने खुद भी कहा कि तुम फ्री हो के जो मन में है बोलो और हम बाद में चूज कर लेंगे कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मैं अपना ही रोल प्ले कर रहा था, अपनी ही क्लास थी और डायलॉग्स की बंदिश भी नहीं थी, खुद ही लिखना था, खुद ही बोलना था, आज़ादी थी, तो जो मेरे मन में आया मैंने बोला अपनी ही एक्टिंग की, तो मुश्किल मुझे तो नहीं लगा। हालांकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों ने बताया कि अपना अभिनय करना सबसे मुश्किल होता है, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे बहुत आसान लगा, जैसा मैं हूँ अभी हूँ वैसे ही वहाँ पर था तो मुश्किल नहीं लगा। जी, सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट किया गया कि विकास दिव्यकीर्ति जी साहित्य आज तक में और फिर ललन टॉप अड्डे पर आएंगे, तो बहुत सारे सवाल आए। मैं सब सवालों को एक एक शब्द के रूप में बयां कर दे रहा हूँ, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। कुछ हालिया घटनाएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो खबरों में रहे, और कुछ प्रवृत्तियां हैं जो हमेशा ही रहती हैं। सब लोगों ने पूछा कि विकास दिव्यकीर्ति जी से प्रेम पर आप जरूर पूछ लीजिएगा। उस तरह के सवाल भी आए कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, कंफ्यूज हैं कि करियर पर फोकस करें कि प्रेम पर फोकस करें, आदि इत्यादि। तो ये तो बहुत ही ओपन एंडेड सवाल हुआ, कोई थोड़ा स्पष्ट सवाल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनका यही था कि साहब दोनों चीजें एक साथ कैसे करें, घर वाले कहते हैं, टीचर कहते हैं करियर पर फोकस करो, पर जब करियर पर फोकस कर रहे हैं तब प्रेम पर भी फोकस आ रहा है, तो सही दोनों का संतुलन नहीं बैठ सकता क्या? अरे बालकों, तुम्हारे ही सवाल पूछ रहा हूं, ठहर जाओ। मेरी समझ ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं, तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो, और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। तो अगर प्रेम उथला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आई जाती है, जब दो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है, और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो, और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं, वो आपकी पढ़ाई में सहायक ही होगा। इसलिए, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी एक ही है, मैं उन बातों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ कि बार बार जीवन मिलने वाला है, मैं ये मान के चलता हूँ, मिल जाए तो बढ़िया है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन एक ही है, एक ही है, तो उसी को जीना है, उसी में प्रयोग करने हैं, और प्रयोग करने का मौका आए तो प्रयोग कर लेना चाहिए, बाद में पछताने से अच्छा है कि हमने प्रयोग किया, फेल हो गए, फिर प्रयोग कर लेंगे, कुछ और प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग करने से पीछे हटना कायरों की निशानी है। अच्छे जीवन जीने के लिए आपको आगे बढ़ के एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता है नहीं। जी, नागरिक को लेकर बहुत सारे सवाल आए, कई लोगों ने मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अलग अलग पहलुओं से नाखुशी जताई और पूछा कि
ये जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, धन बल बाहुबल करप्शन, हम एक वोटर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर बहुत बेबस महसूस करते हैं, हम क्या करें? देखिए, अगर आप अपने राजनीतिक परिदृश्य से बहुत बेबस महसूस करते हैं तो दो तरीके हैं, क्योंकि मैं जैसे ही आपसे कहूंगा कि राजनीति बहुत जरूरी काम है जो हम सबको करना चाहिए, तो आप मुझसे कहेंगे तो आप क्यों नहीं जा रहे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने स्वधर्म को पहचान लीजिए, अपने मूल स्वभाव को पहचान लीजिए। अगर आपके मूल स्वभाव में राजनीति है, या आप एक सोशली एक्टिव व्यक्ति हैं, समाज आपकी बात सुनता है और आपको समाज के साथ बात करने में अच्छा लगता है, आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि इस देश को, किसी भी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे नेताओं की, बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। विज्ञान भी सज जाएगा, शिक्षा भी सज जाएगी, संस्कृति कला सब सज जाएगा, नेता साधने बहुत ज़रूरी हैं। तो यदि आप में नेता बनने की संभावना है, थोड़ा रिस्क लीजिए, नेता बनिए, और देश की संसद में अगर 500, 600 या 800 दोनों सदन मिला के कायदे के लोग बैठे होंगे तो उससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। आप स्टार्टअप कर लें, IAS बन जाएं, एक्टर बन जाएं, प्लेयर बन जाएं, ये मान के चलिए कि आप सबकी जिंदगी डिफाइन वही करेंगे जो संसद में है, तो क्यों ना आप संसद में हो। लेकिन लेकिन यदि आपका स्वभाव वैसा नहीं है, जो जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मेरा स्वभाव उस तरह का नहीं है, मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो शायद बहुत सहज नहीं रह पाऊंगा, और मैं तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या है, या तो आप पॉलिटिक्स में जाएं, मैं क्या करूं, या सौरभ जैसे राजनीति में नहीं है, सौरभ की जिम्मेदारी क्या बनती है? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर मैं राजनीति में नहीं हूं, जैसे मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से ना बस संवाद सबसे होता है, लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं, ना मन से हूं, ना कागजों पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि किसी भी मुद्दे पर हर पार्टी को भूल कर अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि हमारे देश में एक राजनीतिक मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए, उसमें जो थोड़ी बहुत भूमिका मैं निभा सकता हूं मैं निभाऊं, और यदि इस प्रोसेस में कुछ अच्छे नेता निकलते हैं जिसमें थोड़ी भूमिका मेरी भी है, तो मैं तो इतने में संतुष्ट हूं, इतना काफी है मेरे लिए। जी, ऑन दैट नोट, क्या विकास दिव्य कीर्ति को कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करने का या चुनाव लड़ने का या किसी भी तरह से अपनी सेवाएं देने का ऑफर आया है? मतलब सीधा ऐसा ऑफर तो नहीं कि ये ऑफर आ जाइए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, 2-3 बड़ी पार्टियों से संवाद उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आता है कि वो इसलिए संवाद कर रहे हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। जहाँ तक बात मिलने की होती है कि एक बड़े नेता हैं, मिलना चाहते हैं, तो मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, सबसे मिलना अच्छा लगता है। पिछले 6 महीने में ऐसा 2-3 बार हुआ कि किसी पार्टी के अध्यक्ष मिलना चाह रहे हैं, तो जनरली मैं अब तक मिला नहीं हूँ, मैं दूर से ही ये कह के कि मैं उस रास्ते पर जाने के मूड में हूँ नहीं, तो फिर मुलाकात का फायदा है नहीं, तो फिलहाल ऑफर्स हैं पर मैं बचता हूँ इस चीज़ से। जो ऑलरेडी संसद में हैं या संसद में पहुँचने की दावेदारी रखते हैं, मैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। शुरुआत करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन ना है, ना होने की संभावना निकट भविष्य में है। मैं अपने मन की बात कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। दिल्ली, मैं ये आधा सेंटेंस था, मैं पूरा कर देता हूँ, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल बेस्ट चॉइस लगते हैं। मुझे इन दोनों में कोई समस्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस समय के हालात में मुझे अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो मोदी जी से बेहतर PM बन पाए, ना ऐसा नेता जो अरविंद केजरीवाल से बेहतर CM बन पाए। तो मैं चाहता हूं कि केजरीवाल दिल्ली के CM रहें, मोदी जी देश के PM रहें। और अब ये तय हो गया है कि इतनी क्लिप काट कर खूब वायरल की जाएगी, तो चलाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी अपने बेस्ट संस्करण लगातार बन रहे हैं, पहले की तुलना में वो बहुत बेहतर हुए हैं और बेहतर हो रहे हैं।
2024 में तो मुझे संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन 29 में हो सकता है कि वो एक बड़े दावेदार हों, और अगर होंगे तो अच्छा है। हम क्यों मान के चलें कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी? अलग अलग नेता, अच्छे नेता आए पॉलिटिक्स में, देश को संभालें, इसमें क्या बुरी बात है, संभालना चाहिए जी। एक इल्जाम भी लगता है विकास देवीकीर्ति जी, इल्जाम। हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है भाई। आप जनता पूछ रही है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए। जब योगी जी को सीएम बनाने का फैसला हो रहा था, उस समय 2-3 उम्मीदवार थे, और मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने। हाँ, मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूंगा। मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि थी कि वो एक मठ वाले आदमी हैं, और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एकाध मुद्दे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है, कितना नहीं बचता है। इन परफॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूंगा कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं तो बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के दो बड़े और चर्चित नेता, मैं उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। पहले लालू प्रसाद यादव। इन्होंने मेरी सुपारी ली है मुझे लगता है और आज ये मुझे मरवा के मानेंगे। अरे नहीं मेरा पिछले कुछ साल में नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं, और मैं जनरली ये मानता रहा हूं कि वो काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नए लोगों में तेजस्वी यादव से मुझे काफी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि वो जो लालू जी के समय की बातें थी कि जंगल राज होगा, वो सब होगा। इस बार जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुझे चिंता थी, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवि फिर से ना बन जाए। और अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं, तो मेरा ख्याल है कि बिहार के भविष्य के लिए वो एक अच्छे नेता साबित होंगे जी। मैं ये आखिरी प्रश्न है इस सत्र का। कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले और जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं, दोनों लोग एक सेमी गॉड से हो गए हैं, डेमी गॉड से हो गए हैं, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आईएएस नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया, और आईएएस निकाल लिया तो आप सब कुछ हो गए हैं। जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं उनकी रील्स वायरल होती हैं, प्रशासनिक कार्यों से इतर वायरल होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत नाखुशी जताई जाती है कि आप इन सब चीज़ों को लेके क्यों इतना लाइमलाइट में आ रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज़ को लेके, सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ को लेके, लबासना में ज़िंदगी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। और बहुत सारे छात्र हैं जो रात दिन ये रीलें ही देखते रहते हैं पढ़ाई छोड़कर। क्या कहेंगे इस पर? मतलब इसमें दो बातें हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रील्स, टीचर्स जो हैं उनकी रील्स क्यों बनती हैं। कोविड के दौर में जब हमने यूट्यूब पे कुछ आना शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि एक सामान्य समझ ये है कि हिंदी समाज पढ़ाई को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहता है, एक सामान्य समझ ऐसी है, और हमें भी लगता था। और मुझे ये बात हजारों बार कही गई है कि हिंदी समाज में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं। जब मैंने अपने वीडियोस यूट्यूब पर डाले, लंबे वीडियो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो भी, 6 घंटे का वीडियो भी डाला, तो मुझे यूट्यूब के धुरंधरों ने कहा कि 27 मिनट से ऊपर वीडियो डालेंगे तो पिट जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की छोटा करूं, मुझसे छोटा होता ही नहीं वीडियो, मैं विस्तार में ही बात करना पसंद करता हूं। लेकिन मैंने देखा कि जो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे का, वो भी 2 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो मैं एक बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में मेरी धारणा ये बन गई है कि हिंदी का समाज भी ज्ञान का, समझ का, पढ़ाई का उतना ही भूखा है जितना कोई भी सभ्य समाज होता है। और यदि मेरे जैसे कुछ लोग, जिनमें मैं भी संयुक्त से शामिल हो गया हूं, इसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं तो ये स्वागत की बात है। नंबर 1, कोविड ने क्या किया कि जो वीडियोस पॉपुलर होते हैं उनके क्लिप निकाल निकाल के कई चैनल्स ने क्लिप्स डालनी शुरू की,
मुझे मेरी टीम ने बताया कि करीब 40-50 हज़ार चैनल्स हैं जो हमारी क्लिप्स काट के चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। हमने शुरू में एक्शन लिया एक दो बार, फिर जब उन्होंने निवेदन किया कि सर आपको इसमें क्या दिक्कत है, हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हमें क्या दिक्कत है, और यदि कुछ लोग कमा रहे हैं, अगर इससे रोजगार बढ़ रहा है तो हमें क्या परेशानी है। अब उनका रोजगार बढ़ा और लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया। मुझे कोविड के समय में मध्य प्रदेश जा रहा था कार से एक बार, वो जिंदगी का पहला ऐसा वाकया है, एक रिमोट गांव के अंदर पेट्रोल पंप छोटा सा, वहां कार रोकी कि चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल भरवा लेते हैं। वहां मैं उतरा, वॉशरूम गया और वॉशरूम में साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है आप विकास सर हैं। तो फिर हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। अब सोचिए हालत क्या हुई होगी उस समय। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? तो मुझे लगा ये कैसे जानता है मुझे। तो उसने बताया कि मैंने YouTube पे आपको कई बार देखा है। उस दिन मुझे YouTube की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन एक साल पहले तक केवल YouTube में UPSC एस्पिरेंट्स ही जनरली मुझे जानते थे, और ये जो मुझे कह रहे हैं कि आरोप लगता है, उस आरोप की असली भागीदार यही है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उस सुरंग से बाहर निकाल के एक इंटरव्यू लिया ललन टॉप पे। मैं बहुत अंतर्मुखी आदमी हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पिछले साल यहाँ भी नहीं आया था इसी अंतर्मुखी होने की वजह से। इन्होंने कहा कि आपको एक इंटरव्यू देना है हमारे ललन टॉप पे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। उसके बाद तो फिर अब आप जानते हैं, जब लोगों ने देखा तो पहचानना शुरू किया। ये बात सही है। और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स को लोग सम्मान देने लग गए हैं इस चक्कर में, तो इसमें बुरा क्या है? पढ़ाई लिखाई की कीमत बढ़ रही है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक ही है भाई। एक एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने नायकों में किनको रखता है। हम क्यों मान के चले कि तेज बॉल को जोर से बैट मारने वाला ही नायक है, एक बॉल को लात मार के गोल करने वाला ही नायक है, और एक रोल को एक्टिंग करके जी लेने वाला ही नायक है समाज का? समाज के नायक सैनिक क्यों नहीं है? समाज के नायक अध्यापक क्यों नहीं है? समाज के नायक वो क्यों नहीं है जो हम सबके घरों की सफाई करने के लिए सीवर के अंदर उतरते हैं? तो हमें किसी भी देश का स्तर इस बात से तय होता है कि वो समाज किसको नायक मानता है। मैं टीचर हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी समाज में अगर टीचर का सम्मान बढ़ता है तो समाज के लिए फायदे की बात है, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा है। समय समाप्त हो चुका है। विकास देवीकीर्ति जी, आपने साहित्य आज तक के इस मंच का मान रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ललन टॉप अड्डे पर भी सर की बातचीत होगी। दो सूचनाएं हैं, एक तो ललन टॉप अड्डे पर बातचीत होगी, यहाँ पर साहित्य पर चर्चा का सिलसिला चलता रहेगा, और इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी भी निकली है जो कहानियों का विशेषांक है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।